रावलसर में आज बिना बारिश के गलियां भयंकर बदबूदार व गंदे पानी से भर गई और इसी कारण से बाजार में अधिकांश दुकानें आज बंद रही। बाजार सहित कुछ वार्डों में भी पानी गलियों में भरा हुआ नजर आया। अब सोचने वाली बात यह है कि बारिश आने के बाद कस्बे का क्या हाल होगा। क्या नगरपालिका प्रशासन रावतसर एक बार फिर से रावतसर कस्बे को डुबोना चाहता है? वही सबसे बड़ा सवाल तो मानसून से पहले की तैयारियों पर उठता है। आखिर सरकार द्वारा हर वर्ष दिए जाने वाले मानसून से पहले की तैयारियों के आदेश क्या रावतसर नगरपालिका पर लागू नहीं होते? मौजूदा हालात में तो यही लग रहा है। इस मामले पर जब पालिका अध्यक्ष से बात की गई तो बताया कि कस्बे में पानी निकासी के स्थायी समाधान के लिए बनाए जा रहे नाले के समानांतर एक व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। गत दिनों आई बारिश के कारण गौशाला के पास दबाई गई पाइपें चौक हो गई। नाले व नालियों की सफाई के लिए ईओ पालिका को यू नोटिस भी दिया गया था। वहीं इस मामले को लेकर ईओ पवन कुमार चौधरी ने क्या कहा वह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसी रावतसर कस्बे के पानी निकासी की योजना के नाम पर लगभग 5 करोड़ रुपए भी लगाए जा चुके हैं। उसके बाद भी वही डाक के तीन पात है। उस समय कौन अधिकारी और क्या कारण रहे, इस पर भी बहुत ही जल्द एक खास रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस अव्यवस्था को लेकर ईओ पवन कुमार चौधरी ने क्या बताया वह भी आप सुनिए। बहुत सही है, लेकिन इसमें जो हमारे 19 नंबर वार्ड पुराने वार्ड में जो 4 कुएँ थे उसमें प्रथम कुएँ में रेकी आने की वजह से फर्स्ट पाइप है जो चौक उसकी वजह से पानी का भराव हो गया। अभी अल्टरनेटिव व्यवस्था के तौर पे हमने 2 बरमे लगाए हैं और शहर का पानी उतर चुका है, थोड़ा बहुत रहा है, वो अभी 2-1 घंटों में क्लियर हो जाएगा। और पाइप चौक का मैनुअली काम जारी है, उम्मीद है हम देर रात तक आज इस पाइप को खोल देंगे और किस प्रकार की समस्या नहीं आए। बाकी हम सुपर सकर मशीन से भी संपर्क किए हुए हैं कि इनकी आगे भविष्य में भी इस प्रकार की समस्या ना आए, इसलिए चारों को भी सफाई भी करा दी है। तो पालिका की टीम पूर्ण रूप से तत्परता से कार्य कर रही है, लेकिन यह मिट्टी की वजह से अचानक समस्या आई है और ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की पूर्व फेलियर की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो मानसून पूर्व की तैयारियाँ थी, उसमें देखिए ये जो कुएँ हैं ये बहुत ज़्यादा पुराने टाइम के बने और बहुत ज़्यादा गहराई के कुएँ हैं। इनमें सुपर सकर मशीन से ही कार्य होता है और सुपर सकर मशीन अपने नियर अबाउट क्षेत्र में कम है। अभी नगर परिषद में ज़रूर है, हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से वो मशीन प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं हम, ताकि हमें वो मिल जाए, लेकिन अभी फ्लड के चलते हुए वहाँ भी थोड़ा सा अलर्ट का मौसम है जारी है और पाइप वगैरह चौक की संभावना के चलते उनकी मशीन भी व्यस्त है। बाकी जींद में भी एक ने हम मशीन के हम संपर्क में और जल्द से जल्द हम उस मशीन को बुलाने के लिए प्रयासरत हैं।